आज के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसा कि आपने पहले वाली वीडियो में भी देखा है, अगर मैं इसके नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करूंगी तो कैसे करूंगी? पहले भी बता चुकी हूँ स्प्लिट मिडल टर्म से। स्प्लिट मिडल टर्म्स का मतलब क्या है, यानी कि बीच वाली टर्म जो आपकी यहाँ पे गिवन है उसको ब्रेक करना है बिटवीन टू टर्म्स, और वो टू टर्म्स कैसी होनी चाहिए, जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बने और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूँ तो ये बने, राइट? तो -2 एंड -2 विच इज़ इक्वल टू +4 एंड -2 प्लस -2 इट मीन्स इज इक्वल टू -4। सो वी कैन ईजली स्प्लिट दिस। सो 4s² -2s - 2s + 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2s। 2s अगर यहाँ से कॉमन निकालूंगी तो यहाँ क्या बच गया बच्चे? 2s - 1। अब यहाँ मेरे को 2s कैसा चाहिए? मेरे को एज इट इज फैक्टर यहाँ बनाना होता है, दिस इज़ नेगेटिव, और यहाँ कैसा है? पॉजिटिव। अपोजिट साइन जब भी आ जाए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो माइनस का फैक्टर आप क्या लोगे? कॉमन। तो यहाँ से क्या आ गया? 2s - 1। इट मीन्स 2s - 1 इंटू 2s - 1। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे? 2s - 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोज का मतलब ही क्या होता है कि उस वाले ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या बन जाए? 0। और उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है? इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो यहाँ से क्या आ गया? 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। इन सेम वे जब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगी 2s - 1, सेम वैल्यू आ जाएगी, s इज इक्वल टू 1/2। दो सेम वैल्यूज आपके पास आ गई, क्लियर? अब उसके बाद सबसे पहले सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। -b इज अ कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड a इज द कोफिशियंट ऑफ x² राइट? किसी को याद ना रहे तो लिख लेते हैं, कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ x², ठीक है? तो अब यहाँ से देखो, मेरे पास दो जीरोज की वैल्यू क्या आई है? 1/2 एंड 1/2। सम का मतलब क्या होता है? वी हैव टू ऐड देम। तो इट मीन्स यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू। वेरीफाई करने का मतलब यही होता है ना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज़ अवर लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे क्या है? माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स -4, इट मीन्स -4 डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ x², कोफिशियंट ऑफ x, यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या यूज़ हो रखा है? s, तो यहाँ क्या आ जाएगा? s² तो यहाँ से कितना आ गया? 4, राइट? जब मैं इसको ऐड करूँगी तो 2 इज एलसीएम एंड 1 + 1, -, +4/4 विच इज़ इक्वल टू 1, हेयर 2/2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू 1. Next, product of zeros is equal to constant term divided by coefficient of s² राइट? यहाँ पे x की जगह पे क्या यूज़ हो रखा है? s, तो कोफिशियंट ऑफ s². तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? वी हैव टू मल्टीप्लाई देम। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ जीरोज कौन कौन से हैं? 1/2 एंड 1/2, इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? 1 डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ x², इट मीन्स 4, राइट? तो यहाँ से क्या आ गया? 1/4 इज इक्वल टू 1/4, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट इसमें आपका क्या कहता है? पार्ट नंबर सी, पार्ट सी आपका कहता है बेटा 6x² -3 - 7x, 6x² -3 - 7x। क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को आप ऐसे लिखते हो कभी भी? नहीं। उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? पहले हाईएस्ट पावर, देन उसे कम, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, 6x², ये 7x विद सेम साइन उठा के मैंने यहाँ रख दिया और ये सेम साइन उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है? वही स्प्लिट मिडल टर्म करेंगे। स्प्लिट मिडल टर्म के अकॉर्डिंग बच्चे क्या होता है? मैंने -7 को ब्रेक करना है ऐसे टू नंबर्स में जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -8 आए,
जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आए, -8, 18 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो -7 आए। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, 9 एंड 2। 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो विच इज़ इक्वल टू 18, और 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7, राइट। लेकिन उसने क्या बोला मेरे को कैसा चाहिए, -7, यानी कि जो मेरा आंसर है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। और नेगेटिव ओनली एक ही केस में हो सकता है, जब 9 जो बड़ा है वो नेगेटिव हो और जो छोटा है वो कैसा हो, पॉजिटिव। तो यहाँ से मेरे पास फैक्टर्स क्या बन गए, -9 + 2। तो क्या लिख दूंगी, 6x² एज इट इज़, यहाँ से -9x + 2x - 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, तो सो 3x इज़ कॉमन, यहाँ से बच गया 2x - 3 3 = 9, राइट। सेम टर्म आपकी बन गई है तो आपको कुछ कॉमन निकालने की ज़रूरत ही नहीं, तो क्या आ गया, +1, 2x - 3। इट मीन्स 3x + 1 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज, द वैल्यू ऑफ जीरोज। इट मीन्स अगर दो का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 होगा। सो 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू ये वहाँ जाके नेगेटिव, एंड x इज इक्वल टू -1/3। 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, एंड x इज इक्वल टू 3/2, राइट। क्या करना है हमने, सबसे पहला काम सम ऑफ ज़ीरोज। सम ऑफ ज़ीरोज में बच्चे होता क्या है, वही -b/a, माइनस b यानी कि कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ x², राइट। तो जीरोज क्या है, -1/3 and 3/2। सबसे पहले सम, लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों का क्या लेना है, सम, सम यानी कि एडिशन, 1/3 and + 3/2, राइट, विच इज़ इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ x, कोफिशियंट ऑफ x इज इक्वल टू -7, कोफिशियंट ऑफ x इज इक्वल टू -7, एंड माइनस जो आपका यहाँ पे है डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ x², कोफिशियंट ऑफ x² इज गिवन टू बी 6, राइट। यहाँ पे पहले क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, 3 2 = 6 एंड 2 1 = 2, तो -2 प्लस 2 3 = 6, 3 3 = 9 इज इक्वल टू -7/6, 9 - 2 विच इज इक्वल टू 7, 7/6 इज इक्वल टू 7/6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज इक्वल टू c/a कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ x², राइट। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है बच्चे, -3, तो -3 डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ x², इट मीन्स 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6। ये तो थी आपकी राइट हैंड साइड, अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, इन दोनों का क्या लेना है, दिस इज योर जीरोज, -1/3 and 3/2, इनका क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो -1/3 × 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो -1/2 इज इक्वल टू -1/2, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।